हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। विनिवेश की राह पर बढ़ते कदम। सरकार विनिवेश की राह पर इसलिए भी बढ़ना चाहती है ताकि विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सके। इसके संपादक हैं डॉक्टर जयंती लाल भंडारी, ये लेखक भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत 5 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा विनिवेश का फैसला बताया जा रहा है। कहना होगा कि आर्थिक सुस्ती को थामने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के मद्देनज़र सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अहम कदम है। विनिवेश की प्रक्रिया के तहत सरकार यह निर्णय भी महत्वपूर्ण है कि अब वह चुनिंदा सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51% से कम करेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में निवेश के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि सरकार को चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से अक्टूबर माह तक 12,995 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। गौरतलब है कि सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां उपक्रम में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। दरअसल इस प्रक्रिया के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या उपक्रमों की कुछ हिस्सेदारी को शेयर या ब्रांड के रूप में बेचती है। इस प्रक्रिया के तहत मिलने वाले धन का उपयोग सरकार या तो उस कंपनी को बेहतर बनाने में करती है या फिर अन्य योजनाओं में इसको लगाती है। किसी कंपनी के विनिवेश का प्रमुख मकसद पूंजी जुटाना हो तो होता ही है, साथ ही यह ध्येय भी होता है कि उस कंपनी की स्थिति में सुधार हो। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र में करीब 1 दर्जन ऐसे उपक्रम हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 90% से 99% के बीच है। हमारे देश में विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ हुई थी। तत्कालीन नरसिंह राव सरकार उदार आर्थिक नीतियों को लागू किए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी घटाने अर्थात विनिवेश की शुरुआत की गई। इसकी वजह ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम का लंबे समय से घाटे में जाना रहा है, क्योंकि सरकार अपने दम पर लगातार इन उपक्रमों पर किया जाने वाला खर्च वहन नहीं कर सकती। दरअसल घाटे में जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जगह की बजाय बजट घाटा बढ़ता है, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। नरसिंह राव सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने स्ट्रेटेजिक विनिवेश के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का मालिकाना हक निजी कंपनियों को दिया था। हालांकि वाजपेयी सरकार के बाद आई मनमोहन सरकार स्ट्रेटेजिक विनिवेश की योजना को अधिक आगे नहीं बढ़ा सकी। मोदी सरकार ने अपने आने के बाद कोई 10 वर्ष से रुके हुए विनिवेश कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाया। उसने राजकोषीय घाटे को कम करने और निजी निवेश को बढ़ाने और बिना कर्ज की पूंजी जुटाने के लिए विनिवेश कार्यक्रम को रफ्तार देना शुरू किया। वस्तुतः विनिवेश के जरिए सरकार घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती ताकि उन्हें निजी हाथों में सौंपते हुए फायदे में लाया जा सके, साथ ही बजटीय घाटे को भी कम किया जा सके। इससे मिलने वाले धन का उपयोग देश के विकास में किया जा सके। मौजूदा विनिवेश नीति के अनुसार सरकार इस फंड की रकम से में से लगभग 75% नियोजन सामाजिक क्षेत्र और विकास के कामों में करती है। विकास के कामों में करती है। हालांकि विनिवेश प्रक्रिया के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 51% की हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखती है। लगता है कि आर्थिक सुस्ती से जिस तरह देश का राजस्व गणित बिगड़ा है उसके कारण सरकार ने विनिवेश का अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। इस समय भारत का राजस्व घाटा
और राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। किसी वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, जबकि राजस्व घाटे के साथ जब सरकार की उधारियां तथा अन्य देयताएं जोड़ देते हैं तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बढ़ते राजस्व और राजकोषीय घाटे ने भारत की क्रेडिट रेटिंग संबंधी चिंताएं भी बढ़ाई हैं। पिछले दिनों विकसित राजस्व आंकड़े के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2019 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट के अनुमान के 92.6% पर पहुंच गया, जबकि इस अवधि के दौरान राजस्व घाटा बजट अनुमान के 100% पहुंच गया। ऐसे परिदृश्य में निवेश और कारोबार की जो नई चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं उनके कारण विनिवेश महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में विनिवेश वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थिर से घटाकर ऋणात्मक कर दी है, नेगेटिव। रेटिंग घटाने के पीछे मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती जारी रहने, ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय दबाव, रोजगार सृजन कम होने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में नकदी संकट का हवाला दिया है। हालांकि मूडीज ने भारत की दीर्घ अवधि की सॉवरेन रेटिंग BAA2 को बरकरार रखा है। BAA2 आसार यही है कि भारत में कॉरपोरेट टैक्स सहित अन्य करों में लगातार छूट दिए जाने तथा कर संग्रह में कमी के कारण चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% के निर्धारित लक्ष्य से बढ़कर 3.7% स्तर पर पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार के लिए विनिवेश का फैसला इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि उसके चालू वित्त वर्ष के लिए कर संग्रह 24.6 लाख करोड़ रुपए रखा गया, लेकिन उसमें 2 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका है। कर संग्रह उम्मीद से कम रहने की वजह मांग में गिरावट और उद्योग कारोबार क्षेत्र को ऐतिहासिक राहत देना भी है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि वर्ष 2019-20 के बजट में विभिन्न वर्गों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो प्रावधान सुनिश्चित हुए उन पर व्यय तुलनात्मक रूप से अधिक होते ही दिखाई दे रहा है। देश के उद्योग कारोबार के क्षेत्र में सुस्ती के मद्देनज़र वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में भी कमी दिखाई दे रही है। बीते अक्टूबर GST संग्रह घटकर रहा है 95,380 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,710 करोड़ रुपये रहा था। इस समग्र परिदृश्य को देखने के बाद कह सकते हैं कि सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा नीतिगत निवेश को गति प्रदान करने का प्रशंसनीय कदम उठाया है। विनिवेश के इस बड़े कदम से सरकार को पर्याप्त मात्रा में कर्ज मुक्ति पूंजी प्राप्त हो सकेगी। इससे राजकोषीय घाटा नियंत्रित होने की संभावना रहेगी। ऐसा होने पर वित्तीय स्थिरता दिखाई देगी, आर्थिक सुस्ती नियंत्रित होगी। तो चलिए, ये था हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित एक आर्टिकल इकोनॉमिक्स।